दोधी चुआ प्रोजेक्ट नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड की विशालतम खदानों में से एक है। वर्ष 1982 में शुरू किया गया एनसीएल का ये माइन दो राज्यों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। एनसीएल का पहला वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट होने के साथ ही ये एक बास्केट माइन है, जिसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी एनसीएल की अन्य परियोजनाओं के कोयला आपूर्ति की कमी को पूरा कर विभिन्न पावर प्लांट के कोयले की आवश्यकता को पूर्ण करना है। ये अपने उत्पादन से एनटीपीसी, यूपीआरवी, यूएनएल एवं पश्चिम और उत्तर भारत के अनेक पावर प्लांट के कोयले की आवश्यकता की निरंतर पूर्ति कर रहा है। 1.461 की औसत स्ट्रिपिंग रेशियो यानी कि 1 क्यूबिक मीटर कोयला निकालने, 4.61 क्यूबिक मीटर ओवरबर्डन निकालने के साथ दूधी चुहा परियोजना में 3 कोयला सीमों से कोयला का उत्पादन होता है, जो कि पुरेवा टॉप, पुरेवा बॉटम और तुर्रा सीम है। 304.4 मिलियन टन के कुल कोयला भंडार और 25 मिलियन टन तक की अधिकतम सालाना क्षमता एवं 25 मिलियन टन की ईसी स्वीकृति के साथ ये खदान धरती के भीतर से काला हीरा निकालने के लिए 4 ड्रैगलाइन, 16 शॉवल, 83 डंपर, 19 ड्रिल और 21 डोजर का उपयोग करता है और कोयला प्रेषण की प्रक्रिया के लिए कोल हैंडलिंग प्लांट का इस्तेमाल करता है, जहां 2 साइलों में रैपिड वैगन लोडिंग एवं वाफ वॉल के जरिए 6 मिलियन टन कोयले को देश को रोशन करने के लिए भेजा जाता है। अगर हम बात करें कोयला निकालने के मशीनों की, तो हम विश्व स्तरीय विशालकाय भारी उत्खनन मशीनों के साथ साथ अत्याधुनिक पर्यावरण अनुकूल मशीन सरफेस माइनर का भी उपयोग करते हैं, जिसके बाद प्राइमरी क्रशर द्वारा कोयले का प्रेषण किया जाता है। दूधी चुहा प्रोजेक्ट में हम दृढ़ता से विश्वास करते हैं कि जितना हम देश की ऊर्जा सुनिश्चित करने के प्रति जिम्मेदार हैं, उतना ही हम प्रकृति के संरक्षण के प्रति उत्तरदायी हैं। इसलिए ओवरबर्डन डंप्स पर हम पूरी कर्मठता से खनन क्षेत्रों की पुनः स्थापना कर प्रकृति की नैसर्गिक सौंदर्य को पुनः प्राप्त करने हेतु वृक्षारोपण करते हैं। अब तक हमने 29.6 लाख स्थानीय प्रजाति के पौधों को एक नया जीवन दिया है और हमारी इस पहल से यहाँ के इन जंगलों में कई जीव जंतुओं का पुनः आगमन हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, हम वातावरण की गुणवत्ता के लिए हॉल रोड पर वाटर स्प्रिंकलर द्वारा पानी का छिड़काव करते हैं, ताकि धूल कण वातावरण में न फैलें और हवा में उड़ते हुए धूल कण को 2 मिस्ट स्प्रे का उपयोग कर नियंत्रित करते हैं। तो वहीं सड़कों की सफाई के लिए 2 रोड स्वीपिंग मशीनों का उपयोग भी करते हैं। ईटीपी की सुविधा से हमने 0 डिस्चार्ज माइन की उपाधि हासिल की है और इस पानी के ट्रीटमेंट के बाद हम माइन के ही कामों में उसका पुनः उपयोग करते हैं। सर्वोच्च एवं उत्तम तकनीक से लैस हमारे वर्कशॉप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ माइनिंग वर्कशॉप्स में से एक हैं, जो कि सुनिश्चित करते हैं कि हमारे सभी मशीनों की मानक उपलब्धता रहे, ताकि उनका खनन कार्य हेतु सुरक्षित परिचालन सुनिश्चित हो सके। इतना बड़ा डिपार्टमेंटल उत्पादन करने के लिए हमें स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट चाहिए और उन इक्विपमेंट को मेंटेन करने के लिए हमें लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वर्कशॉप में, जो कि अवेलेबल है यहाँ पे। एंड जैसा कि प्राप्त हुआ है हम लोग को जानकारी कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर शायद किसी भी वर्ल्ड के बड़े से बड़े माइंस में नहीं है। पर ये सिर्फ वर्कशॉप तक ही सीमित नहीं है, हम हर नई टेक्नोलॉजी का स्वागत करते हुए उसे अपनाते हैं, चाहे वो OITDS से ड्रैग लाइन, शॉवल, डंपर के कार्य का रात दिन निगरानी हो या फिर CAA QMS द्वारा पर्यावरण की निगरानी हो।
इसके अतिरिक्त हमारे पास NCL का पहला NABL से मान्यता प्राप्त कोल्ड टेस्टिंग लैब भी है। जीवन बहुमूल्य है, इसलिए हम खदान सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हैं। हमारे कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए हम कई प्रयास नियमित रूप से करते हैं, जैसे कि फैमिली काउंसलिंग, माइन निरीक्षण, त्रिपक्षीय बैठक, सुरक्षा वार्ता। सारी सुविधाओं से परिपूर्ण खदान में ही कैंटीन एवं AC विश्राम गृह की सुविधा भी मुहैया कराते हैं। साथ ही विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग स्मार्ट क्लास युक्त VTC सेंटर में दी जाती है, जो कि खदान में दिन रात काम कर रहे खनिकों को अधिक आत्मविश्वास देती है। कहते हैं ना कि संगठन तंत्र की शक्ति ही वैभव का चित्र सजाती है, और दुधी चूहा परियोजना में ये आपको सबसे जीवंत रूप में मिलेगा, क्योंकि हमारे कर्मचारी ही हमारे गौरव का प्रतीक है। दूधी चूहा परियोजना की 2 कॉलोनी सेक्टर A और सेक्टर B में कुल 2296 आवासीय परिसर हैं, जो कि हमें NCL की सबसे बड़ी कॉलोनी बनाती है। इसके अतिरिक्त तो उनकी सहूलियत का पूरा ध्यान देते हुए हम उन्हें डिस्पेंसरी, खेलकूद के लिए पार्क व स्टेडियम की सुविधा, सूर्य किरण और एक्सपर्ट गेस्ट हाउस, जिम, बस स्टैंड, सांस्कृतिक मंडपम, कल्याण मंडपम और यूनियन ऑफिस जैसी कई अन्य सुविधाएं प्रदान करते हैं, ताकि हमारे कर्मचारी बेफिक्र होकर अपने दायित्वों का निर्वाह कर सकें। उत्तम शिक्षा हर बच्चे का हक है, इसलिए हमने अपने कर्मचारियों के बच्चों के एक सुनहरे भविष्य के लिए DAV पब्लिक स्कूल भी बनवाया है, जहाँ बच्चे पढ़ाई के साथ साथ कई अन्य हुनर भी सीख रहे हैं। हमारे कर्मचारी हमारी शान हैं, उनकी पूरी जरूरतों का समय से निष्पादन कराना हमारा कर्तव्य है, ताकि वो उत्पादन उत्पादकता करके हमारे क्षेत्र को सर्वश्रेष्ठ तक ले जाएं। समाज की एक मुख्य कड़ी होने के नाते हम समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाते हैं, क्योंकि इनकी मुस्कुराहट से हमें हर दिन कुछ और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। दूधी चूहा प्रोजेक्ट के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत हम सड़कों का निर्माण करते हैं। गांव के छोटे बच्चों के लिए हमने आंगनवाड़ी का निर्माण भी किया है। पानी की जरूरत की आपूर्ति के लिए हैंड पंप्स एवं बिजली की सुविधा के लिए सोलर लाइट भी लगाए गए हैं। विगत 5 वर्षों में हमने CSR के अंतर्गत 10 करोड़ से भी ज्यादा की धनराशि समाज के सुधार एवं कल्याण के लिए व्यय की है। दूधी चूहा परियोजना में 2022 तक लगभग 700 करोड़ रुपए का 10 मिलियन टन क्षमता का कोल हैंडलिंग प्लांट, 190 टन डंपर के लिए विशाल कार्यशाला आदि का निर्माण होना है। ग्रीन इनिशिएटिव के तहत भविष्य में दूधी चूहा परियोजना में एक और सर्फेस माइनर आने वाली है, तथा 5 मिलियन टन क्षमता का मैकेनाइज रैपिड लोडिंग सिस्टम का निर्माण वारफॉल साइडिंग में होना है। इस तरह हम पूरी तरह से ग्रीन माइनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। दूधी चूहा परियोजना हर बीते दिन के साथ नए लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, जिससे कि हम कोयला उत्पादन कर न्यू इंडिया के बिजली की जरूरतों को पूर्ण कर सकें। इन बुलंदियों को छूते हुए हम कई नई मुस्कुराहटों की वजह भी बन रहे हैं। इसलिए हम गर्व से कहते हैं कि हौसलों की उड़ान ही दूधी चूहा की पहचान है।